कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हाँ काय सांगणार राजांना इथं कामावरती रुजू करून घेतलं आहे काय सांगणार आहे सर। 12वी धरण टप्पा क्रमांक 3 या प्रकल्पांतर्गत 12वी धरणाचं पाण्याचं समन्वयित वाटप या प्रकरणामध्ये माननीय जिल्हाधिकारी साहेब आणि माननीय केंद्रीय मंत्री कपिलजी पाटील साहेब यांच्या प्रयत्नाने महानगरपालिकेमध्ये 12वी प्रकल्प असताना नोकऱ्यांचा या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाचा विषय त्या ठिकाणी प्रयत्न केला, परंतु आम्ही सातत्याने संघटनेच्या मार्फत त्या गोष्टीला सारखा पाठपुरावा केला आणि आज आम्ही खरोखर आनंदी आहेत की या ठिकाणी 34 ऑर्डर या ठिकाणी उल्हासनगर महानगरपालिका देणार आहे आणि त्यापैकी 26 ऑर्डर या ठिकाणी दिलेले आहेत। 2 आमच्या भगिनी करिष्ठलिपिक झालेले आहेत, काही आमची 22 मला वाटतं 24 लोक शिपाई पदावर आहेत, तर अजून काही 5-6 लोकांच्या शिक्षणाच्या नुसार त्या ठिकाणी ऑर्डर मिळणार आहे आणि म्हणून या ठिकाणचे जे महानगरपालिकेचे आयुक्त असतील शेख साहेब, त्याचबरोबर नाईकवडे साहेब असतील किंवा निलंगेकर साहेब असतील, यांनी अतिशय मोलाचं सहकार्य आम्हाला दिले। आम्ही आल्यानंतर आम्हाला त्यांनी जे रिस्पेक्ट दिला त्याबद्दल मी 12वी प्रकल्प पीडित संघटनेच्या वतीने त्यांचा मी जाहीर आभार मानतो आहे आणि असेच सहकार्य पुढील कालावधीमध्ये करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करून थांबतो। हां सर, 12वीं धरण में जो लोगों के ज़मीनें गई थी, जो प्रकल्पग्रस्त हुए थे, ऐसे जो शेतकरी थे या फिर और जो कुछ वहाँ पे रहने वाले लोग थे जो बाधित हुए थे, उनके बारे में शासन ने एक निर्णय लिया कि उनके घर के सदस्यों को नौकरी दी जाए या फिर उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। और इसमें जो जो महानगर पालिका इसके बेनिफिशियरी हैं उनको शासन ने एक संख्या निश्चित करके दी थी कि इतने लोगों को वो नौकरी दे या फिर मुआवजा दे। उल्लासनगर कॉरपोरेशन को भी 34 का टारगेट दिया गया है, जिसमें से आज हमने 26 लोगों को उनके नियुक्ति पत्र उनको सुपुर्द किए हैं। वो एक छोटा सा यहाँ पे एक प्रोग्राम लिया गया है जिसमें अलग अलग गेस्ट भी हैं, संगठन के प्रतिनिधि भी हैं और इसमें 2 लोग वर्ग 3 से है, 24 लोग वर्ग 4 से है और कुछ लोगों के अभी तक नियुक्ति पत्र देना पॉसिबल नहीं हुआ है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ त्रुटियाँ थी। वो त्रुटि पूरी होने के बाद उनको भी हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज ये लोगों को सभी को यहाँ पे नियुक्ति पत्र दी गई है। कल से ये लोग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम पर आ जाएंगे। इसमें हमारे GED विभाग से जो हमारे अतिरिक्त आयुक्त है, डिप्टी कमिश्नर है नाईकवडे साहब या फिर उनके और भी सुपरिटेंडेंट सासे वगैरह लोगों ने बहुत मेहनत की है, दिन रात उन्होंने इसमें मेहनत की है। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय कपिल पाटिल साहब का हमेशा फॉलोअप रहा है, उन्होंने भी माननीय जिलाधिकारी इनके उपस्थिति में कई मीटिंग ली थी, संगठना की तरफ से भी काफ़ी सकारात्मक रवैया इख्तियार करते हुए इसका फॉलोअप किया गया है और ये सबके मद्देनज़र ये सब पॉसिबल हुआ है और आज से ये लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिया है। कल से लोग सभी काम पर आ जाएंगे। हमने इन सभी को शुभेच्छा दी है और भविष्य में इन लोगों के जो क्वालिफिकेशंस है उनका भी आदर करते हुए उनको भी उस तरीके का काम देने की भी हम भरकस कोशिश करेंगे जो कि संगठन ने भी मांग की है। धन्यवाद। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।